उनसे एक प्रशासनिक अधिकारी जो हुए उनकी एक जिम्मेदारी बन गई। वो लोग छोटे छोटे सामन या बड़े बड़े महासामन और छोटे राजा के रूप में आ सामने आ गए। बहुत अधिक तो गुप्तोत्तर काल में अनेक वंशों का उदय हो गया, यानी अनेक राजा का उदय हो गया गुप्तोत्तर काल में। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि ये जो भी जितने भी छोटे छोटे सामंत और राजा थे वो चाहते थे कि हम भी एक बड़े राजा को हस्तक्षेप करके उसका राज ले लें। जैसे मान लीजिए केंद्र है हमारा दिल्ली, हमारे यहाँ भी भारत में कई राज्यों का संघ है, तो छोटे छोटे राज्य हैं, उसके मुख्यमंत्री हैं और एक हमारे प्रधानमंत्री। तो वैसे ही उस समय भी केंद्र होता था और केंद्र में जब छोटे छोटे क्षेत्र को डिवाइड कर दिया गया था तो छोटे छोटे क्षेत्र के शासक ये चाहते थे कि हम सीधे केंद्र पर आक्रमण कर दें। तो केंद्र के राजधानी पर क्यों आक्रमण करना चाहते थे? हमेशा हमने देखा कि पाटलिपुत्र के लिए लड़ाई होती थी और कन्नौज के लिए लड़ाई होती थी, क्यों? देखिए वो राजधानी होती है, राजधानी एक तो स्वयं ही, लेकिन इसको बहुत ध्यान से समझिए, इसको आप देखिए बात मत कीजिए प्लीज, इसको आप ध्यान से, जो भी राजधानी है एक तो उसकी को क्या कहते हैं, जो भी राजा होता था उसको बनाने के लिए वहाँ पे बहुत पैसा खर्च करता था, वो व्यापार का भी बहुत प्रमुख केंद्र होता था और उसके आसपास के क्षेत्र भी व्यापार के बहुत प्रमुख केंद्र होते थे। इसीलिए कोई भी शासक ये चाहता था कि हम पहले राजधानी पे ही अटैक करें और उस क्षेत्र को कवर कर लें। दूसरी चीज़ होती थी, जहाँ राजधानी होती थी अगर राजा को हरा दिया जाता था तो प्रजा ये मान लेती थी कि राजा हमारी रक्षा नहीं कर पाता है, इसलिए प्रजा भी उसके अधीन हो जाती थी। तो ये परंपरा बहुत तेज चल गई थी। हम जब देखते हैं कि हर्षवर्धन का काल समाप्त होता है तो कन्नौज के लिए लगभग 200 साल का युद्ध होता है, कन्नौज के लिए, और कई शासक इसमें युद्ध में शामिल होते हैं, कई शासक इसमें शामिल होते हैं। आगे चल के ये परंपरा और भी बढ़ जाती है, आगे राजपूत काल आता है उसमें भी कई शासक आते हैं और आपस में युद्ध करने लगते हैं। ये जो युद्ध की परंपरा थी, इस युद्ध की परंपरा के कारण हमारे यहाँ जो विदेशी थे उनको बहुत फायदा मिला। जो भी विदेश से आए, मान लीजिए अभी अफगानिस्तान तक का जो एरिया था, यहाँ से जब वो लोग आते थे तो उन्होंने देखा कि उत्तर भारत में आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, आपस में एकता नहीं है। इसी एकता की कमी का अभाव होने के कारण कई विदेशी वंशों ने यहाँ आया और सीधे वंश ही स्थापना कर दिया। ठीक है, कई तुर्की वंश आया, महमूद गजनवी आया, लूट के चला गया। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जब सल्तनत वंश मोहम्मद गौरी आया तो उसने सोचा कि यहाँ हम केंद्र स्थापना कर दें, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर वो चला गया कहीं नहीं। और जब इल्तुतमिश आता है तो उसने तो राजधानी बना दी, स्थायी रूप से वो बस गया, आगे एक वंशी स्थापना हो गया सल्तनत का। तो ये जो शुरुआत की जो है बीज यहीं से बोया गया, यानी आपस में लड़ने लगे। ठीक है, अगर बांटा गया, जैसे हमारा देश है कई राज्यों में, अगर हम ये राज्य भी आपस में लड़ने लगेंगे तो ये देश एकता नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो वैसे ही हर्षवर्धन के बाद हम देखते हैं कि यहाँ बहुत ज्यादा आपस में शासकों के बीच में अनेकता, यानी एकता नहीं रह गई। पहले हम इसका देख लेते हैं प्रशासन, हर्षवर्धन बिल्कुल उन्होंने प्रशासन जैसे गुप्त काल में चलता था वैसे ही प्रशासन था। राजा भी केंद्र का राजा था और उसने प्रयास किया था कि सभी जो छोटे छोटे उसके अंदर में राज्य थे उसको प्रशासन किया जाए। अब प्रशासन के लिए देखिए देवी शक्ति पर जो हर्षवर्धन जी पर विश्वास करता था, इसीलिए उसने प्रयाग में महामोच परिषद का आयोजन किया था प्रयाग में। ठीक है, किसी किताब में एक साल लिखा है लेकिन वास्तव में एक साल नहीं है। ठीक है, अगर देखा जाए तो 5 साल में वो आयोजन होता था, 5 वर्ष महामोच परिषद, ये 5 वर्ष। और यहाँ पर रेन साहब ने लिखा है कि जब रेन वो क्या कहते हैं हर्षवर्धन प्रयाग में जाता था तो वो बहुत दान देता था, वहाँ पर प्रयाग में बहुत दान,
वहीं पे ही वेद सार ने गंगा नदी के बारे में बताया है कि लोग जाते थे वहां पर आत्महत्या कर लेते थे, वो इसको शगुन मानते थे। तो इसका उल्लेख किया सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वेद सार लोगों को नहाने जो स्नान करते उसको देख के ऐसा लगा हो कि आदि सभ्यता ना जानता हो तो लगा हो कि क्या लगा सर, लोग जाके स्नान करते हैं जी जी, वेद सार को मतलब ऐसा लगा हो कि लोग स्नान नहीं कर रहे हैं नहीं, तो उस समय आत्महत्या करते थे, इस समय तो करते नहीं है। अरे सर जो नहीं, उस समय का उसने इतिहास बताया है कि उस समय लोग जाते थे तो उसने भी, वेलसार एक दार्शनिक व्यक्ति था, उसने भी सोचा कि गंगा नदी में ही क्यों डूबकर लोग मर जाते हैं, तो उसने भी वहाँ पे जो रिसर्च किया तब उसने लिखा, ठीक है कि आखिर उतनी दूर से किसी को मरना होगा तो बगल की नदी में क्यों नहीं मर जाएगा, आखिर इतनी दूर क्यों जाता है कोई मरने के लिए, ठीक है। तो इस पवित्रता को ध्यान में रखते हुए कि गंगा नदी में मरकर स्वर्ग प्राप्त होगा, ऐसी ही मनोकामना थी लोगों की, इसलिए उसने लिखा है। तो देखिए देवी शक्ति का वो मानते ही थे शासक, उन्होंने अपना जो साम्राज्य का विभाजन किया वो देखिए प्रांत, जैसे हम अगर भूतकाल को लेते हैं तो यहाँ भी प्रांत था, हर्षवर्धन के काल में भी प्रांत के बाद सीधे विषय आता है, गुप्तकाल पिछला देख लेते हैं तो यहाँ भी विषय आता है, यहाँ अंतर आएगा। जिला के बाद गुप्त काल में लिखा गया था बीजी, आप देखिएगा इसको यहाँ से, और यहाँ पर इन्होंने विषय के बाद पाठक, पाठक तहसील को पाठक इन्होंने कहा, अभी बात होता है। चलिए तो देखिए इस प्रांत, प्रांत के नीचे विषय यानी जिला, और इसके नीचे पाठक, और इसके सीधे नीचे ग्राम होता था, और यहाँ पर पैग होता था, ग्रामों का समूह, तो यहाँ इसकी छोटी इकाई, यहाँ भी ग्राम होती थी, ये पाठक इसके नीचे होता था। देखिए हमने गुप्त काल में पढ़ा था कि उपरिक कहा जाता था, ठीक है, यहाँ पर प्रांत के कहीं कहीं राजपिक मिलता है, एक जगह लोकपाल भी मिला है कि प्रांत का जो अधिकारी था उसको लोकपाल भी कहा जाता है, लोकपाल नामक शब्द भी मिला है जो प्रांत का अधिकारी होता था हर्षवर्धन काल में, और राष्ट्रिक शब्द का भी उल्लेख मिलता है जो प्रांत के क्या कहते हैं वंशखेड़ा अभिलेख में, वंशखेड़ा अभिलेख ये शायद यहाँ पर में है, यहाँ पर क्रांत के बारे में पता चलता है। छोटे छोटे कई प्रांत थे वहां पर पता चलता है कि सामन, छोटे सामंत और बड़े सामंत यानी महासामंत को की नियुक्ति की गई थी, छोटे सामंत और बड़े महासामंत, ऐसे एक महासामंत का भी उल्लेख मिलता है ईश्वर दत्त और स्कंद गुप्त, महासामंत जो बड़ा क्षेत्र होता था और जो छोटा क्षेत्र पर वहां सामंत शासन करते थे, ईश्वर दत्त और नाम का होगा स्कंदगुप्त, ये दो महासामंत का नाम भी पता चलता है जो हर्षवर्धन के काल में इस पद पर थे महासामंत। यहाँ पर बाल विवाह बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया था, बाल विवाह, बाल विवाह,
एक दूसरे पर आक्रमण होने के कारण शासक यानी एक दूसरे से जब लड़ते थे तो महिलाओं की सुरक्षा के करने के लिए उस सुरक्षा करने के लिए बाल विवाह प्रथा बहुत तेज पड़ गई थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था उस समय सुरक्षा के लिए कि किसी तरीके से क्या कहते हैं विवाह करके दूसरे राज्य में भेज दिया जाए, तो ये बहुत बड़ी समस्या थी बाल विवाह की। ये इस काल में बहुत तेजी से बहु विवाह प्रथा पहले की तरह चला आ रहा था। स्त्री पीड़ों की गिरावट बड़ी तेजी से हुई स्टार्ट में, बहुत तेज युद्ध और आक्रमण ये बहुत बड़ा एक कारण था कि स्त्रियों का गिरावट होना उस समय बहुत तेजी से हुआ, उनके स्वतंत्रता की बहुत तेज कमी हुई। देखिए जैसे अशोक पहले शैव धर्म का अनुयायी था, ये कहां से पता चलता है, ये किसने कहा कि अशोक पहले शैव धर्म का अनुयायी था, ये भी राज तरंगिणी से ही पता चलता है। देखिए किताब लिखी गई थी 12वीं शताब्दी में, राज तरंगिणी वो अशोक के बारे में भी लिखी गई थी और हर्षवर्धन के, वैसे ही राज तरंगिणी में हर्षवर्धन के बारे में भी लिखा था कि वो शैव धर्म का अनुयायी था पहले, लेकिन बाद में वह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। तो अशोक कैसे बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ, शुरुआत अपने भतीजे से हुई थी, फिर मौलिक को किसने कराया था और फिर उपगुप्त ने भी कराया था, यानी तीन तीन लोग क्या कहते हैं ऐसे थे कि जिन्होंने उनको बौद्ध धर्म में कन्वर्ट, तो हर्षवर्धन को किसने बौद्ध धर्म में कन्वर्ट किया, वेनसांग ने, एकदम लिखा हुआ है हर्षवर्धन के प्रभाव में आकर, सॉरी हर्षवर्धन क्या हुआ बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया, ठीक है, महायान का। देखिए इसकी एक कहानी है महायान अनुयायी की, उस समय धर्म पर बहुत विवाद हुआ, हर्षवर्धन के काल में बहुत तेज विवाद हुआ, अभी किसी भी वंश में हमने ऐसा विवाद नहीं देखा था जितना हर्षवर्धन के काल में विवाद हुआ। इसके लिए हर्षवर्धन को एक धर्म सभा भी बुलानी पड़ी कन्नौज में, कन्नौज में धर्म सभा बुलानी पड़ी हर्षवर्धन को। इसमें कई धर्मों के लोग आए, इसमें बौद्ध धर्म के हीनयान महायान भी आए, वैदिक धर्म के भी आए, जैन कई धर्मों के शामिल हुए, लेकिन अंत में 20 देशों के लोग शामिल हुए कन्नौज की धर्म सभा, इसमें 20 देशों ने भाग लिया और हर्षवर्धन ने वेनसांग ने यहां महायान बौद्ध संप्रदाय के महायान का नेतृत्व किया वेनसांग ने, और अंत में क्या हुआ महायान का ही प्रभाव इस कन्नौज की धर्म सभा में सर्वाधिक रहा। देखिए हम को मालूम है कि वेनसांग ने पढ़ाई की थी नालंदा विश्वविद्यालय में, ठीक है, और इसी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में वेनसांग ने बताया था कि यहाँ पर 100 गांव का दान दिया जाता था, इसी ने बताया था कि 200 गांव का दान दिया जाता था। ये क्वेश्चन देखिए बार बार आता है, नालंदा के लिए वेनसांग ने कहा था 100 गांव का दान दिया जाता है और इत्सिंग ने कहा था 200 गांव का दान दिया जाता है। ये वेनसांग के सिंह का, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी बाद में शैव धर्म के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म क्या कहते हैं स्वीकार कर लिया था, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान था, ऐसा नहीं कि सिर्फ बौद्ध धर्म को ही उन्होंने प्रभु दिया था खुश रहे, बाकी भी सभी धर्म, ऐसा कहा गया है थानेश्वर सूर्य जो उनकी पहली राजधानी थी थानेश्वर, उसके बारे में बाण भट्ट ने लिखा है, बाण भट्ट जो हरिचरित्र कहता है उन्होंने कहा है कि थानेश्वर में प्रत्येक घर में शिव की पूजा होती है, ये संभव नहीं मालूम लेकिन उन्होंने लिखा है चीज,
शिव पूजा का उल्लेख किया है खानेश्वर में। बाण भट्ट ने लिखा उस समय कि प्रत्येक घर में लग शिव की पूजा होती थी, इसका उल्लेख किया है। तो ऐसा मानना है कि अलग अलग राइटर अपना अपना अलग अलग मत देते जरूर है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, लेकिन सभी धर्मों का लगभग सम्मान था। पश्चिम में सिंध का जो शासक था उसको बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया है। यहाँ पश्चिम में ये बताया है वेनसांग ने, वेनसांग ने बताया था कि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी है। चीन नहीं, सिंध, 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 पश्चिम में सिंध का शासक जिसको उसने विजय किया था। ठीक है, देखिए कल हमने आपको विजय बताई थी ना, कौन कौन सी उसने विजय की थी, देखिए सिंध की विजय की थी उसने, माना जाता है उसने कश्मीर की भी विजय की थी और कामरूप एक विजय और उसने की थी, विजय नहीं की थी, वो उसकी पराजय हुई थी एक जगह, कहाँ पे, दक्षिण में, किस शासक से, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। ये क्वेश्चन एक बार आया था कि किसने उल्लेख किया है कि पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन पराजित हुआ था, ऑप्शन में था वेनसांग, ऑप्शन में था बाण भट्ट, ऑप्शन में था रवि कीर्ति, ऑप्शन में था इनमें से कोई नहीं, रवि कीर्ति। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, तो जिसके बारे में जिसने कहा उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पुलकेशिन द्वितीय का एक दरबारी कवि था रवि कीर्ति, उसी ने लिखा है कि पुलकेशिन एवं हर्षवर्धन के बीच में युद्ध हुआ है, लेकिन वेनसांग ने भी लिखा है, लेकिन पराजय की बात जो मिलती है वो रही रवि कीर्ति। इन्हीं से पता चलता है कि इसने नर्मदा नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था, नर्मदा नदी उसी के किनारे जो युद्ध हुआ था, इसमें वेनसांग सॉरी हर्षवर्धन पराजित हो गया था, हर्षवर्धन पराजित हो गया था। ये देखिए विजय धर्म आपका अर्थव्यवस्था, इस समय गुप्त काल के बाद व्यापार में कमी, इसकी सबसे बड़ी चीज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यापार में यहाँ कमी होती है, कई नगर उजड़े हो गए थे, नगर उजड़े मिले थे कई, सिक्के में कमी हो गई थी, मिलावट गुप्त काल से ही शुरू हो गई थी, स्कंद का स्कंद गुप्त के काल में ही हो गई थी, यहाँ पर और भी सिक्के की कमी हो गई थी, मिलावट तो हो ही गई थी बहुत थी, तो सिक्के की कमी, नगर उजड़ गए थे, व्यापार में बहुत कमी थी, फिर भी ऐसा नहीं था कि व्यापार जीरो हो गया था। इस काल में भी बंदरगाह थे, जैसे गुप्त काल में फेमस बंदरगाह थे, इस काल में भी फेमस बंदरगाह पूर्व और पश्चिम दोनों दिशा में था। पूर्व का बंदरगाह फेमस कौन सा था, और पश्चिम में था रघुगंज या जिसको भड़ोच राजा, ये तीनों नाम दिया जाता है। ये पश्चिम का बंदरगाह था, इस समय व्यापार चीन एवं पूर्वी देशों से होता है। ताम्रलिप्ति कहाँ पर है, ताम्रलिप्ति बंगाल, बंगाल के मुखाने पे, अच्छा हाँ यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है, ये देखिए ये आपका बंगाल है, यहाँ पे नाम बदल दिया, ताम्रलिप्ति ये प्राचीन है नाम है, उसको ताम्रलुप भी कहते हैं। अब ये पूरब में क्या कहते हैं, ये है क्या कहते हैं बंगाल में, ये पूरब में यही पे है, ये बंगाल, देखिए पाटलिपुत्र नगर उजड़ गया था, ठीक है, पाटलिपुत्र ये नगर कुशीनगर इसको भी उजड़ा हुआ मिला है, ठीक है, लेकिन कन्नौज नहीं उजड़ा था, देखिए बहुत ध्यान से इसको क्वेश्चन समझिएगा, इसलिए हाँ यही आपको पकड़ना है हमको, देखिए पहले से चला आ रहा है कुशीनगर को उजड़ा पायाम कह देता है, पाटलिपुत्र को हेसांग कहता है,
लेकिन कन्नौज नगर इस समय पाटलिपुत्र का स्थान ले लिया था, तो कन्नौज बड़ा नहीं था, कन्नौज की तो तारीफ की गई थी। कन्नौज यहाँ पे बताया था व्यापारिक केंद्र बहुत थे। हम बताते हैं कई लोगों ने तारीख भी लिखा है, उज्जैन के बारे में लिखा है कि यहाँ पे करोड़पति लोग रहते थे, यहाँ पे उज्जैन बहुत ज्यादा करोड़पति रहते थे उज्जैन में, ये भी लिखा। बैरी गाजा ये देखिए गुजरात, ये आपका राजस्थान है, गुजरात ये है, यहाँ पे होगा ठीक है, ये गुजरात है ये बिल्कुल, ये गुजरात है ठीक है, गुजरात का ये गुजरात का सागर है पश्चिम में, यहाँ पे ये बैरी गाजा था, ये ताम लखती है और सोपारा, ये गुजरात का, ये महाराष्ट्र का इलाका है ठीक है, ये महाराष्ट्र, यहाँ पे आपका सोपारा बंदर था ठीक है, और कन्नौज कहाँ था ये देखिए उत्तर प्रदेश, ऐसे आप लेंगे तो यहाँ पे ही कन्नौज था ठीक, ये कन्नौज है, उसके थोड़ा पूरब में पाटलिपुत्र, उत्तर पूरब में पाटलिपुत्र। तो ये व्यापार व्यवसाय इस समय क्या कहते हैं कम हो गया था, चीन से व्यापार होता था और पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र का पूर्वी द्वीप का मतलब हो गया इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, यहाँ से व्यापार होता था। तो ये आपका इनकी अर्थव्यवस्था पे गिरावट आ गई थी इस समय, इस समय हर्षवर्धन के काल में धर्म के क्षेत्र में बहुत चीज इन्होंने के काल में सबसे वृद्धि ये हुई, जिस नालंदा विश्वविद्यालय, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय कब बना, किसके काल बना, जरूर था कुमार गुप्त के काल में, लेकिन उसका सर्वाधिक विकास हुआ हर्षवर्धन, इन्हीं के काल में लोग पढ़ने आए, और जब हम क्या कहते हैं ये हुए इंसान तो पढ़ाई ही, कई लोगों ने यहाँ से शिक्षा, इसका सर्वाधिक विकास यहीं से हुआ नालंदा विश्वविद्यालय, ये बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय था, यहाँ पर बहुत ज्यादा इसका क्या कहते हैं बौद्ध धर्म का बहुत विकास हुआ क्या कहते हैं हर्षवर्धन के काल में। तो देखिए हर्षवर्धन काल कन्नौज का शासक रहता है, उसकी हो जाती है मृत्यु, अब इतिहास में कई राज्यों का उदय होता है और कई राज्यों के उदय के कारण लड़ाई शुरू हो जाती है कन्नौज के लिए, कन्नौज के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है, बहुत शासक है, बहुत वंश है, हम सारे को नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट है उसको पहले बताते हैं, कन्नौज के लिए एक संघर्ष किसका होता है, देखिए तीन वंश होते हैं, एक था प्रतिहार वंश और दूसरा था राजपूत और तीसरा था पाल, तो पहले प्रतिहार वंश, देखिए प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश ये कन्नौज, ये लोग पहले यही लोग जाते हैं कन्नौज पे अधिकार करने के लिए, कन्नौज और इसके साउथ मध्य प्रदेश में लगभग यहाँ है उज्जैन, आज का जो उज्जैन है ये ठीक है, तो कन्नौज और ये है उज्जैन, ये क्षेत्र रहता है, इस क्षेत्र पर प्रतिहार वंश के लोग पहले क्या करते हैं कि कन्नौज पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए प्रतिहार वंश के बारे में पहले जान लीजिए आप लोग कि प्रतिहार वंश की स्थापना एक हरिश्चंद्र व्यक्ति ने की थी, उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है हरिश्चंद्र के बाद, फिर उसके बाद नागभट्ट एक शासक हुआ, नागभट्ट के बाद एक शासक हुआ वत्सराज, तो वत्सराज पहला ऐसा शासक था जिसने त्रिकोणीय संघर्ष यानी राजपूत और पाल वंश के युद्ध में भाग लिया, इसी ने इसने युद्ध में भाग लिया वत्सराज, लेकिन कन्नौज पर यह अधिकार नहीं कर पाया। इसके बाद आता है नागभट्ट सेकंड, ये कब्जा थोड़ी देर के लिए ये कन्नौज पे कब्जा कर लेता है नागभट्ट सेकंड,
और नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कन्नौज पर अधिकार कर लिया। लेकिन ये भी आगे नहीं, ये चूंकि प्रतिहार वंश के बारे में बता रहे हैं, आगे चल के राजपूत शासक इससे छीन लेते हैं। नागभट्ट के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक होता है जिसने आदि वराह की उपाधि धारण की, जिसकी उपाधि थी आदि वराह। इसके काल में नारा लगाया गया था, कहा जाता है, विदेशी यात्री लिखते भी है कि इस्लाम खतरे में। मीर भोज, मीर भोज के बारे में बताया गया है कि इस्लाम खतरे में है। इसकी बड़ी कट्टु आलोचना होती है, इस्लाम खतरे में है इसके बारे में ये कहा जाता है। मीर भोज के बारे में ये क्या कहते हैं, मीर भोज के बाद भी इसका एक शासक हुआ महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम भी हुआ, इसने भी जैसे गुप्त राजा ने परम भट्टारक परम महाराज की उपाधि धारण की थी, वैसे महेंद्रपाल ने भी उपाधि धारण की थी। इसके बाद एक शासक आता है राजपाल। राजपाल, राजपाल का इतिहास तुर्की वंश के शासक, तुर्की यानी महमूद गजनबी के साथ राजपाल की कहानी जुड़ी हुई है। जब महमूद गजनबी कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए आता है तो राजपाल क्या करता है कि कन्नौज छोड़कर वो बाप चला जाता है। राजपाल उस समय कन्नौज का शासक रहता है, लेकिन जब महमूद गजनबी कन्नौज पर आक्रमण करता है तो राजपाल अपना राज दरबार छोड़कर भाग जाता है। तो महमूद गजनबी कन्नौज पर कुछ देर के लिए अधिकार कर लेता है, कुछ देर के लिए अस्थायी तौर पर अधिकार, क्योंकि वो तो वहां फिर चला जाता है। लेकिन राजपाल से बदला लेने के लिए कि राजपाल ने क्यों नहीं महमूद गजनबी का सामना किया, इसका बदला लेने के लिए चंदेल वंश का एक शासक होता है विद्याधर। उसने राजाओं का एक संघ बनाया और उस संघ के माध्यम से राजपाल को क्या कहते हैं, युद्ध में पराजित करके उसकी हत्या कर दी। कहने का ये मतलब है कि वो संघ उन लोगों ने महमूद गजनबी के खिलाफ नहीं बनाया, लेकिन बनाया किसके खिलाफ, राजपाल के खिलाफ। महमूद गजनबी तो कई जगह आया आक्रमण किया, लेकिन विद्याधर ने ये संघ पहले नहीं बनाया, लेकिन राजपाल को मारने के लिए चंदेल वंश के शासक विद्याधर ने ये बनाया। तो राजपाल के बाद त्रिलोचन पाल इस वंश का अंतिम शासक था, प्रतिहार वंश का। दूसरा महत्वपूर्ण वंश आता है पाल वंश। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की, ये बंगाल में है पाल वंश। इनकी राजधानी थी मुंगेर। देखिए मुंगेर, मुंगेर इस समय बिहार और बंगाल के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। मुंगेर ये आपका देखिए बंगाल है और ये आपका बिहार, इसी के बीच का एरिया ये मुंगेर आता है। ये मुंगेर, ये तो हम आपको एरो दिखा रहे हैं, ये मुंगेर, मुंगेर पाल वंश की राजधानी थी, ठीक है। इस मुंगेर का इतिहास आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री में भी है, ठीक है। मुंगेर हमने बताया है और यहाँ पे चार तीन, दो से तीन लोग जो बैठे हुए हैं उनको हमने बताया है, ठीक है, या तीन से चार लोग जो है उनको हमको सौभाग्य मिला था मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने का। तो अब आप लोग बताइए कि मुंगेर क्या था, क्यों फेमस था। वो तीन लोग हैं यहाँ पे, तीन से चार लोग बैठे, क्या चीज, और आप सही, बिल्कुल सही है। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है मुंगेर के बारे में। देखिए इतिहास आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप जब तक तुलना पुराना हमेशा सोचिए कि क्या भूल रहा है। तो हमको, हम तो आगे वाली चीज आपसे तुलना कर रहे हैं, अभी आगे जो बताना है। तो मुंगेर का इसलिए इतिहास है कि मुंगेर को भूलना नहीं है। मुंगेर देखिए
बंगाल में कई शासक हुए थे, अफवाह में इसकी कहानी बता देते हैं, मुंगेर के बारे में तो बता ही रहे हैं। बंगाल में सिराजुद्दौला हुआ था, हुआ था ठीक है। इसके बाद आपका दो शासक और हुए थे, एक शासक था कासिम। जब बंगाल की गद्दी पर बैठा था तो अंग्रेज लोग उसको बहुत परेशान कर रहे थे, तो उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ रख ली? अब याद आ गया, जब हम इतना नहीं बताते तो नहीं आ रहा। चलिए, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि ये बंगाल की राजधानी जिस समय मुंगेर, ये मुंगेर राजधानी की पाल गोपाल का संस्थापक था। देखिए बंगाल में कौन राजा था हर्षवर्धन के काल में? ससान की मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि बंगाल में मत्स्य न्याय था। मत्स्य न्याय का क्या मतलब? एक क्वेश्चन आया इसलिए आपसे पूछ रहा है। ऐसा कहा गया है कि बंगाल में मत्स्य न्याय हो गया था। मत्स्य न्याय का क्या मतलब हुआ? मछली को पानी में डाल दे, छोटी तो उसका क्या मतलब हुआ? सही कहा, इसका आप निकालिए। हाँ देखिए, उस समय क्या होता है, अब ध्यान से सुनिए। चलिए आपने बताया, ध्यान से सुनिए। मत्स्य न्याय का ये मतलब होता है कि कोई बहुत बड़ा बलवान है तो अपने छोटे को वो परास्त करके अपना हड़प लेगा जबरदस्ती। क्या कहते हैं, निरंकुशता ज्यादा बढ़ जाती थी। तो मत्स्य न्याय में होता है कि बड़ी मछली हमेशा क्या होती, छोटी मछली को निगल लेती है। तो बंगाल में भी मत्स्य न्याय था, इसलिए जनता ने वहां विद्रोह कर दिया और गोपाल नामक व्यक्ति को राजा बनाया। ये देखिए, एक क्वेश्चन ऐसे ही आया था आईएएस में एक बार, कि किस राजवंश में जनता ने एक राजा को क्या कहते हैं बैठाया था गद्दी पर? जनता ने स्वयं आगे आकर गोपाल को पाल वंश के शासक बनाया था। तो गोपाल यहाँ का पाल वंश का राजा बना। गोपाल के बाद धर्मपाल पहला ऐसा व्यक्ति था पाल वंश का जिसने त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया। यानी त्रिकोणीय जो संघर्ष हुआ था, धर्मपाल ने भाग लिया, लेकिन धर्मपाल को नागभट्ट ने झांसी के पास पराजित कर दिया था। धर्मपाल अपने युद्ध के नाते नहीं जाना जाता है, वो भी अपने धर्म के नाते जाना जाता है। धर्मपाल ने एक विश्वविद्यालय बनाया था, एक या दो विश्वविद्यालय, विक्रमशिला और तक्षशिला। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया था और सोमपुरी विश्वविद्यालय। विक्रमशिला ये बिहार में ही है, बिहार का भागलपुर। अब आप लोग नक्शे से समझ लीजिए, यहाँ पे है बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पे है ये भागलपुर में है, और सोमपुरी कहाँ है? इस समय बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश आपका, ये एरिया आपका, ये एरिया आपका बांग्लादेश का आपका, यहाँ पे आपका सोमपुरी पहाड़पुर एक क्षेत्र है बांग्लादेश में, वहां पर सोमपुरी विश्वविद्यालय है। इस सोमपुरी का निर्माण किया था धर्मपाल ने। आगे चल के इसी विक्रमशिला विद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलाकर इसको राख कर दिया था। धर्मपाल ने जो विश्वविद्यालय बनवाया था विक्रमशिला, इस विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? देखिए नालंदा का भी ऐसा माना जाता है, लेकिन विक्रमशिला का बिल्कुल क्लियर है कि उसी ने नष्ट किया था। धर्मपाल के बाद गद्दी पर बैठा है
देवपाल। देखिए देवपाल के बारे में एक कहानी है। देवपाल भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। देवपाल ने जब धर्मपाल के बाद देवपाल गद्दी पर बैठता है। देवपाल ने एक विश्वविद्यालय के लिए गांव दान दिया था। कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा। देखिए किसके कहने पर दिया था? ये बालपुत्र देव इस शैलेंद्रवंशी शासक ने जावा और सुमात्रा के यहाँ के ये शासक थे बालपुत्र देव। इन्होंने देवपाल से रिक्वेस्ट किया था कि वो बौद्ध धर्म के लिए कुछ गांव दान दिए। उन्हीं के अनुरोध पर देवपाल ने क्या कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 5 गांव दान दिए थे। एक विद्वान भी रहता था। देवपाल के बाद दो और शासक बैठे हैं, विग्रहपाल और नारायणपाल। लेकिन इसके बाद एक इंपॉर्टेंट शासक बैठता है महीपाल। की प्रमुख घटना यह थी कि दक्षिण भारत के एक शासक राजेंद्र चोल ने महीपाल को पराजित कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र चोल ने महीपाल को पराजित कर दिया था। और ये युद्ध हुआ था गंगा, ये महीपाल क्योंकि यहीं पे ये यहाँ पे गंगा नदी बहती है, तो ऐसा माना जाता है कि राजेंद्र चोल ने दंड स्वरूप सभी सैनिकों को अपने कंधे पर गंगा जल ले जाके दक्षिण तक ले जाया था। तो गंगा जल को दक्षिण तक ले जाया था ऐसा माना जाता है। ये राजेंद्र चोल यहाँ साउथ तमिलनाडु यहाँ पे तंजौर वहाँ की राजधानी थी, ठीक है, वहाँ से। अब आप सोचिए इतनी दूर वो आक्रमण करने के लिए गया था यहाँ पर, और यहाँ से सैनिकों से कंधे पर गंगा जल लाकर यहाँ पर, कहा जाता है वो गंगा इतना जल आया था कि वहाँ झील बन गई थी, ठीक है। तो ये आपका नाम वही बात महीपाल के बाद भी छोटे शासक होते हैं। इस वंश का अंतिम शासक रहता है चंद्रमा। तीसरा महत्वपूर्ण वंश है राजपूत वंश। राजपूत ये देखिए दक्षिण में ये आपके महाराष्ट्र यहाँ पे आसपास इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी दक्षिण में। देखिए कंफ्यूजन मत करिएगा, सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? प्रति करके प्रतिष्ठान, ठीक है। तो ये भूलिएगा मत, लेकिन कंफ्यूजन बहुत होगा। ये भी दक्षिण की राजधानी थी, वो भी दक्षिण की राजधानी थी, ये सातवाहन वंश की थी। और मानिकपुर किसका हुआ? राजपूत वंश। दत्तीपुर ने एक यज्ञ किया हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था।
देखिए हिरण्य गर्भ यज्ञ क्या कहते हैं, दान देने के लिए यज्ञ किया है। और ये दूसरी राजधानी, ये तो प्रतिष्ठान सातवाहन का आपने लिखा है, ये तो सातवाहन, ये तो हमने तुलना करके आपको बताया कि मजबूत मत होइएगा, ये बताया। देखिए ये यज्ञ किया गया था हिरण्य गर्भ यज्ञ किया गया था धरती दुर्ग के द्वारा, ये यज्ञ किया जाता है दान देने के लिए, ठीक है, दान देने के लिए, सोने के दान देने के लिए ये यज्ञ किया जाता है। इस यज्ञ में ये माना था कि प्रतिहार वंश लोगों ने बार बार उसका काम किया, तो देखिए दंती दुर्ग ने एक यज्ञ किया और इसके बाद और भी छोटे छोटे शासक यहाँ पर गद्दी पर बैठते हैं। इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था इंद्र तृतीय, इसको राष्ट्रकूट वंश का महानतम शासक माना जाता है, राष्ट्रकूट वंश का महानतम शासक इंद्र तृतीय को माना जाता है। इस रूप इसके बाद एक शासक इसी वंश का बैठता है अमोद वर्ग, अमोद वर्ग, इसके काल में जिनसेन नामक एक विद्वान रहते थे जिन्होंने किताब लिखी अमोद वर्ष भी बहुत विद्वान था। अमोद वर्ष की तुलना चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है, चंद्रगुप्त द्वितीय की तुलना की जाती है अमोद वर्ष की। वैसे अमोद वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है, जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन हिंदू धर्म पर भी इसकी आस्था थी। उंगली काटकर लक्ष्मी नाम चढ़ा दिया जी, ये इतना पुजारी व्यक्ति था कि अपनी बाएं हाथ की उंगली देवी जी के चरणों पर इसने चढ़ा दिया था। अमोद वर्ष इंद्र थर्ड यानी अमोद वर्ष, लेकिन अमोद वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। अमोद वर्ष के बाद तृतीय अमोद वर्ष के बाद सॉरी कर्क तृतीय एक शासक बैठता है, ये अंतिम शासक रहता है, अपनी स्वयं भी काफी है नहीं, देखिए जैन धर्म के काम नहीं, उसने हिंदू देवी जी के ऊपर अपनी उंगली चढ़ाई, ठीक है, जैन, अब आप देखिए यही गलती हो जाती है ना, थोड़ा बंद करी का पता, जैन धर्म तो अहिंसा